انقلابو انقلابو انقلاب زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد ارے بی بی پی گو بیک گو بیک گو بیک اے بی بی پی گو بیک گو بیک گو بیک ساتھیو اور بھی لوگ ہیں ہمارے ساتھ آج جو ہم نے یہ پورا ایک اپنا سمرتھن وائلنس کے ورودھ میں دکھایا ہے اور ساتھ کھڑے ہوئے ہیں तो ये किसी एक आदमी के या एक संस्था की वजह से सफल नहीं हो पाया है या दसियों संस्थाएं शिक्षकों की समूह विद्यार्थियों के समूह सब साथ में आए तब जाके हम ये माहौल बना पाए हैं कि आखिर उस तरफ भी खड़े तो 100 लोगों में से 25 लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कुछ तो गलत हुआ है और हम चाहेंगे कि हर तरह की विचारधाराएँ इस मंच पर रखी जाए अगर वो भी चाहते हैं यहाँ आके बात कहना तो हम उनका भी स्वागत करेंगे घटनाएं हुई है जिसमें ये लोग एक तरह से जबरदस्ती अपनी विचार को दूसरे पर थोपना चाहते हैं ये आज कह रहे हैं कि आप जो भी देश में घटनाएं हैं चाहे वो पुलिस को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही हो चाहे मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा हो चाहे सेना को सिक्योरिटी नहीं मिल रही हो जिसके चलते पुलवामा अटैक हुआ ये लोग कहते हैं कि आप चुपचाप इसको बर्दाश्त कीजिए और यदि मोदी जी कहें कि कल से बैल भी दूध देगा तो कहिए मोदी मोदी मतलब इनकी सोच ही ऐसे हो गई है। टीचर ने क्वेश्चन किया कि देश में जो भी माहौल बना है एक तरह से कह सकते हैं अघोषित इमरजेंसी का जिसमें न शिक्षक सुरक्षित है न सीमा पर नौजवान सुरक्षित है न खेतों में किसान सुरक्षित है न कारखानों में मजदूर सुरक्षित है इसका बात जो भी करता है इनको एंटी नेशनल लगता है देशद्रोही लगता है इनकी देशद्रोह और इनकी जो एंटी नेशनल की परिभाषा है नागपुर से पढ़ते हैं और इनको बता दें इनकी देशभक्ति क्या है कि 2014 से पहले उसी नागपुर मुख्यालय पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता था जो लोग आज हम लोगों को देशभक्ति पढ़ा रहे हैं उन्हीं लोगों के विचार रखने वाले गांधी की हत्या करने वाला है और ये हमको देशभक्ति बताना चाहते हैं आपसे बताना चाहें कि उस टीचर को पीटा भी गया और कल जो लड़का भी उसको पीटा है उसने खड़ा होकर भाषण दे रहा था कि हम पीटे हैं फिर से पीटेंगे हम बताना चाहते हैं वैसी सोच रखने वालों को कि तुम नफरत फैलाओ हम प्रेम फैलाएंगे तुम गुंडागर्दी करो हम सुरक्षा की गारंटी करेंगे सुरक्षा का डिमांड करेंगे और ये तुम मत भूलो कि तुम्हारे जो भी पूर्वज हैं अंग्रेजों की दलाली करते आए हैं इतिहास हमारे पूर्वज बनाए हैं वही बनाते रहेंगे यह जो यूनिवर्सिटी बना है आज भी आप यूनिवर्सिटी में कोई काम होता है तो मजदूर का जाके आप पूछ सकते हैं कि उसकी कैटेगरी क्या है उसकी जाति क्या है वो ओबीसी और SC ST से मिलेगा इन दलालों की कैटेगरी से नहीं मिलेगा जो आज दलाली कर रहे हैं और आप जानते हैं 13 पॉइंट रोस्टर ला करके उस पर हमला किया गया उस पर भी आप बोलिए तो कहेंगे कि सरकार के खिलाफ इन लोगों को बोलने की ये कल्चर हो गया है इसके अलावा अभी आप जितने भी स्टूडेंट यहाँ बोल रहे थे नारे लगा रहे थे यहाँ LC2 पर वही भटके हुए गुंडे जिनको आप गाय गोबर गणेश के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है वो लोग हमको बताना चाहते हैं कि हमारा देश का परिभाषा क्या है उनको हम बता दें कि हम लोग अम्बेडकर के समर्थक हैं गोलवालकर के नहीं और इस देश जो है संविधान से चलेगा संघवाद से नहीं और तुमको हम ओपन खुला चैलेंज करते हैं कि तुम्हारी नफरत की संस्कृति को तोड़ के दिखाएंगे इनकलाब जिंदाबाद